हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज बैंक की तरफ से परमानेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं अलग अलग पोजीशन के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव की भी है, क्लर्क की भी है एंड अदर वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जॉब लोकेशन भी आपकी अक्रॉस इंडिया रहने वाली है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना कोई एप्लीकेशन की फ़ी आपको पे करनी है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ज़रूर आप इसके लिए अप्लाई कर लेना। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। किस तरीके से अप्लाई करना है, किन स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे और भी डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। गूगल पे भी आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया काफ़ी टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आप में से हर कोई एलिजिबल है, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। वीडियो को आपने कम्प्लीट ज़रूर से देखना है। इसमें 5 से 6 टाइप की वैकेंसीज आउट की गई हैं और सारी की सारी वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट भी बिल्कुल अलग है, सैलरी भी बिल्कुल अलग है, एज लिमिट, हर एक एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एप्लीकेशन को अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। तो इसलिए पहले मैं आपको यही बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, पहला लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलने वाला है, आप उस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करके एक नया पेज ओपन होगा, लास्ट में आप देख पा रहे हैं रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में हर एक पोस्ट का अलग अलग लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज दैट आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है, फी तो कोई है ही नहीं, हर कोई अप्लाई कर सकता है। किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पता क्या है, परमानेंट वैकेंसीज हैं और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन भी आपकी होने वाली है अलग अलग वैकेंसीज के लिए। कुछ वैकेंसीज के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊंगी ही। सो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, आपका सेकंड जो स्टेप रहने वाला है लॉगिन का। आपको क्या करना है, अपने आप को पहले यहाँ पर जब रजिस्टर कर लोगे, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड लगाकर अपने आप को लॉगिन करना है। लॉगिन करके क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, अपना नेम मेंशन करना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, कहाँ से पास आउट की है, आपकी एज लिमिट क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको करनी है फिल। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, जो आपका सक्सेसफुली इसमें सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है, तो ज़रूर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं, इसमें सबसे पहले जो पोस्ट आउट की गई हैं ऑफिस असिस्टेंट की हैं, उसके बाद बैकएंड ऑफिस स्टाफ की वैकेंसीज आउट हुई हैं, ब्रांच बैंकिंग के लिए हैं, कस्टमर हैंडलिंग के लिए हैं, ऑफिस असिस्टेंट की है। ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज, आपका क्लरिकल का ही इसमें वर्क रहता है, सो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा DSA की वैकेंसीज हैं, ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की अलग से वैकेंसीज भी है जो इसके लिए आउट की गई है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ, हर एक पोस्ट के लिए लास्ट डेट बिल्कुल अलग अलग है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेक कर सकते हैं, बट काफ़ी टाइम है आपके पास। बिकॉज अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ, 31 जनवरी 2022 तक आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। कुछ वैकेंसीज के लिए इससे पहले भी लास्ट डेट है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट डेट बताई है जो मैक्सिमम टाइम आपके पास है जिस पोस्ट के लिए, ठीक है। ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है।
उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज की, सबसे पहले जो पोस्ट इसमें सिलेक्शन की भी है 27 वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 39 है, बैकेंड ऑफिस स्टाफ के लिए 40 वैकेंसीज आउट हुई हैं। उसके बाद ब्रांच बैंकिंग के लिए 37 वैकेंसीज हैं। कस्टमर हैंडलिंग की वैकेंसीज भी आउट की गई हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 36 हैं। इसी के साथ ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की 16 वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हर कोई आप में से एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, कुछ वैकेंसीज के लिए आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन भी है। जैसे अगर मैं पोस्ट की बात करूँ, DSA की इसमें पोस्ट है, इसमें आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। मीन्स आपको बुलाया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपकी एक HR के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, बस आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें ऑफिस असिस्टेंट के लिए या अदर वैकेंसीज के लिए, इसमें आपकी पर्सनल इंटरव्यू हो सकती है, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th पास ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, एज लिमिट हर पोस्ट की बिल्कुल अलग अलग है। मिनिमम की अगर मैं बात करूँ 18 है आपकी, आप अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम किसी पोस्ट के लिए 29 है, किसी पोस्ट के लिए से अबव भी हो सकते हैं या रिलैक्सेशन मिल सकता है। डिस्क्राइब नहीं किया है इन्होंने, लेकिन ये भी डिस्क्राइब नहीं किया कि नहीं मिलेगा, तो मिल सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर आप इससे अबव आपकी एज है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, अपने अकॉर्डिंगली वैकेंसीज को चेक करके आपको अप्लाई कर लेना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये कौन से बैंक की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो ये अलग अलग बैंक की तरफ से वैकेंसीज है, लेकिन ये वैकेंसीज है NCS पोर्टल की तरफ से आउट की गई है, जो कि नेशनल करियर सर्विसेज का पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। उसके अकॉर्डिंगली उनकी तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोवाइड कर दिया है। बैंक का नेम आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है जिसके लिए आप एलिजिबल है। अप्लाई आपको ज़रूर से करना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो आपको मिलने वाला है ऑलिव बोर्ड का मिलेगा, सेकेंड आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, थर्ड हमारी वेबसाइट का, वहाँ पर आप लेटेस्ट वैकेंसीज को चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो वैकेंसीज है, ये हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक जो मैंने आपको थर्ड वाला डिस्क्रिप्शन में बताया है, वहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।